अशोक गहलोत की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार महिला सुरक्षा में विफल सरकार है। लगभग हर रोज महिलाओं के साथ बदसुलूकी के 19 मामले आ रहे हैं और बलात्कार के मामलों में पूरे देश में 22% केवल और केवल राजस्थान के मामले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई। कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। वो लाल डायरी में खनन विभाग के 66,000 करोड़ के घपले का जिक्र है, खनन पट्टे के 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, उदय सागर झील के 2,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, शिक्षा मंत्री के शिक्षकों की ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का जिक्र है, सचिवालय में अलमारी में से 2,31,00,000 रुपया और 1 किलो सोना निकला इसका जिक्र है, काली सिंह बांध के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है और गरीबों के गेहूं चावल में भ्रष्टाचार का जिक्र है। माताओं, भाइयों, बहनों, जिस अशोक गहलोत ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं उसको चुनना चाहिए क्या? कांग्रेस को चुनना चाहिए क्या? एक ही विकल्प है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना।